आज की जो मैं प्रैक्टिस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सबको पसंद होती है। जी हाँ, ये हमारे देवी देवताओं को भी पसंद होती है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ओपन चैलेंज दे रही हूँ। ओपन चैलेंज एक प्रैक्टिस करने का जिससे आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। अब वाइब्रेशंस हाई क्यों करनी है? क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, आप बहुत ग्रोथ करते हैं, आपको सक्सेस मिलती है, आपके पास आइडियाज का फ्लो अच्छा होता है और आप ऑलमोस्ट जितने भी काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती है। ये सारा कुछ होता है जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है, प्लस आपको लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस, प्यार, पैसा सभी कुछ मिलता है जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है। और आज की ये प्रैक्टिस आपकी वाइब्रेशंस हाई करेगी। किन लोगों को वाइब्रेशन हाई करने की जरूरत है? नंबर वन, वो लोग जो लाइफ में बड़ा सारा कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नंबर टू, वो लोग जो मैनिफेस्ट करना तो चाहते हैं लेकिन उनका पास्ट ट्रॉमेटिक था और इस वजह से वो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी में वो एनर्जी अभी भी स्टोर है और वो पैटर्न्स रिपीट करवा रही है। और अगर आपको मेरी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है तो एक बहुत पॉपुलर बुक है जिस बुक का नाम है बॉडी कीप्स द स्कोर। तो आपकी जो बॉडी है ना, वो जितना भी उसने अभी तक लाइफ में जिया है, या आप बाहर के लोगों ने उस चीज को नहीं आपको जीते हुए देखा लेकिन आपने उसको जिया है आपके अंदर, आपकी बॉडी हर उस चीज का स्कोर मेंटेन करके रखती है। मतलब वो उस एनर्जी को स्टोर करके रखती है और आपकी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट हो रहे होते हैं और सक्सेस का तो नामो निशान नहीं होता, कंफ्यूजन होता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है वो बेसिकली काम करता है साइकोलॉजी पे, कि साइकोलॉजी के थ्रू, अच्छे थॉट्स, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, इनके थ्रू आप चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। लाइक इस साल आपने बिजनेस में कितना भी अच्छा कराओ लेकिन आपका बिजनेस एकदम जीरो से तो रीस्टार्ट नहीं हो सकता ना, कि हमने अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया है खुद पर। भाई पिछले साल का जो लॉस है वो तो कैरी फॉरवर्ड में लॉस में ही आएगा ना, बिजनेस जीरो से तो रीस्टार्ट नहीं हो सकता। तो जो पुराना बॉडी में स्कोर है उसका क्या करें? उसके लिए आज की टेक्निक ये आपकी हीलिंग का काम करेगी। आप इसको एज अ ट्रीटमेंट, एज अ थेरेपी यूज कीजिए अपनी लाइफ में और आप देखेंगे कि कुछ ही वक्त में आपकी पुरानी नेगेटिव एनर्जी अपने आप खत्म हो जाएगी और आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। इस पर्टिकुलर टेक्निक में आपके दिमाग का कोई रोल नहीं है। जी हाँ, इसमें आपके दिमाग का कोई रोल नहीं है। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको कुछ ट्राई नहीं करना है। वैसे भी मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि जब किसी को कोई नई टेक्निक बता दो ना तो वो यूं यूज करने लग जाते हैं, लेकिन जब उनको फिजिकली जाकर कुछ करने को बोलो कि आपको जिम जाना है, आपको रनिंग करनी है, तो लोग नहीं करते। हो सकता है उनको वर्कआउट इतना पसंद ना हो, लेकिन आज की जो मैं प्रैक्टिस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सबको पसंद होती है। जी हाँ, ये हमारे देवी देवताओं को भी पसंद होती है। शिव जी को भी जब गुस्सा आया, उनकी तीसरी आंख खुली तो उस एनर्जी को रिलीज कर रहे थे वो अपनी बॉडी से तांडव करके। बॉडी में जो गुस्से की हीट प्रोड्यूस हुई थी उसका यूज करा जा रहा था तांडव करने के लिए। तो जितना आपका माइंड यूजफुल है उतनी ही ज्यादा यूजफुल आपकी बॉडी है। अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छे मैनिफेस्टेशंस करने हैं, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो अपनी बॉडी से ये एक काम रोज करवाओ और इसे कहते हैं डांस, नृत्य, नाच। अब जब आप रोज डांस करोगे, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। डांस आपके माइंड और आपकी बॉडी दोनों को हील करता है। जो पुरानी एनर्जी बॉडी ने स्टोर कर रखी है उसको रिलीज करता है। वैसे हीलिंग पर मैंने और भी डेप्थ में बात कर रखी है इस बुक में, द सीक्रेट मंत्रा टू अवेकन योर इनर जीनियस। इसने लोगों की बड़ी हेल्प करी है और ये अभी भी हेल्प कर रही है। अगर आप अपनी हीलिंग को एक होलिस्टिक अप्रोच देना चाहते हैं तो आप ये बुक जरूर रीड करिए और इसको बेस्ट सेलर बनाने के लिए आई एम ग्रेटफुल टू यू। डांस की महिमा का बखान हमारे शास्त्रों में भी किया गया है, उसको ऐसे एजुकेशन, कला, आर्ट सारे फॉर्म्स में देखा जाता है। और अगर डांस इतना वैल्यूएबल नहीं होता तो अलग अलग एरियाज, अलग अलग कल्चर के सबके अपने डिफरेंट डांस फॉर्म्स क्यों हैं? वो हैं क्योंकि उनकी वैल्यू है। अब एक कहावत यह है कि इंसान जो चाहे सब कुछ कर सकता है, सब कुछ पा सकता है, लेकिन उसका चाहना मुश्किल होता है। माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या आप सच में हील होना चाहते हैं? अब तो मैं आपको वर्कआउट करने को भी नहीं कह रही हूँ, अब तो मैं आपको रनिंग करने को भी नहीं कह रही हूँ, अब मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ, गो एंड हैव फन, जस्ट गो एंड डांस, और आप बहुत जल्दी अपने अंदर बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखोगे। आई एम स्टिकिंग टू माय पॉइंट, बॉडी कीप्स द स्कोर, बॉडी स्कोर रखती है। अब जरूरी नहीं है कि बॉडी सारी नेगेटिव चीजों का स्कोर रखती है, अगर आप कुछ पॉजिटिव करोगे तो आपकी बॉडी उसका भी स्कोर मेंटेन करेगी। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कुछ
आपकी बॉडी के थ्रू कुछ ट्रीटमेंट, कुछ थेरेपी दें, वर्कआउट, जिम, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस, और अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है देन गो एंड डांस. वो आपके माइंड और आपकी बॉडी दोनों के लिए अच्छा काम करेगा. और जैसा कि मैंने कहा, फिर भी कुछ वायरल टेक्निक ट्राई करनी ही हो तो ये वीडियो चेक कर लेना. मैं जल्दी ही मिलती हूँ. नमस्ते. थैंक यू.